हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आरसी ऑनलाइन क्लास क्लास 7। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर 4। देखिए, लास्ट पीरियड में हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, सिंपल इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया था वेरिएबल कांस्टेंट्स के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन सॉल्व की थी। उसी को कंटिन्यू डिस्कस करते हैं हम एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5। कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। देखिए, टेबल आपके पास गिवन है, एक्सरसाइज 4.1 में टेबल आपके पास गिवन है। हम यहाँ पर 4 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग बाकी आप क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हो टेबल। तो आपके पास सीरियल नंबर, इक्वेशन वैल्यू, से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस और नो, आपको आंसर देना है यस और नो। तो देखिए, इक्वेशन आपके पास गिवन है, वैल्यू आपके पास गिवन है, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, और उसकी जो आपके पास वैल्यू है एक्स इक्वल टू 3। तो देखिए, जैसे कि हमने लास्ट पीरियड में भी आपको बताया था कि जो इक्वेशन होती है, जो वैल्यू हमारे पास दी हुई है, अगर उस वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करें तो LHS और RHS अगर इक्वल आ गए तो वो सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 जैसे हम इसमें पुट करते हैं, x प्लस 3 ये आएगा 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में हमने जैसे ही एक्स की वैल्यू 3 पुट की तो हो गया 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3 प्लस 3 6 इक्वल टू 0, एंड 6 और 0 क्या इक्वल होते हैं क्या? नो, इट इज नॉट इक्वल। तो इसमें आप आंसर क्या लिखोगे? नो, इट मीन जो गिवन वैल्यू है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। तो इसका आंसर में राइट करोगे आप नो। ऐसे सेकंड को चेक करें, x इक्वल टू 0 क्वेश्चन में पुट करिए आप, 0 प्लस 3 इक्वल टू 0, देन 3 इक्वल टू 0, तो क्या 3 0 के इक्वल होता है क्या? नो, LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो इसका आंसर में भी आप राइट करोगे नो। ऐसे इसको चेक करिए, x इक्वल टू -3 क्वेश्चन में पुट करना है, x प्लस 3 इक्वल टू 0 में आपको -3 पुट करना है, इट मीन्स -3 प्लस 3 इक्वल टू 0, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 0 इक्वल टू 0, LHS इक्वल टू RHS। तो इस केस में x इक्वल टू -3 गिवन क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, इसका आंसर भी क्या राइट करोगे आप? यस। x -7 इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या पुट करनी है इसमें? 7। चेक करते हैं LHS RHS इक्वल आता है, 7 - 7 इक्वल टू 1, x की वैल्यू आपने 7 इसमें पुट की, 7 - 7 इक्वल टू 1, 7 में से 7 माइनस, यानी प्लस माइनस कैंसिल, 0 इक्वल टू 1, तो 0 वन के इक्वल होता है क्या? नो, LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो इसके आंसर में आपके राइट करोगे। तो सिंपल है, हमारे पास जो इक्वेशन, जो हमारे पास वैल्यूज की वन है, जस्ट उसको क्वेश्चन में पुट करके देखना है, LHS RHS अगर इक्वल आ गया तो आपको आंसर राइट करना है यस, नॉट इक्वल है LHS RHS नॉट इक्वल है तो आपको आंसर राइट करना है नो।